वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी बाय रवि सर। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी बाय रवि सर। मैं रवि सर और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, पिछले ग्रामर के क्लास में हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जो है स्टडी किया था और उनके यूजेज के बारे में हमने जाना था। तो टोटली हमने प्रीवियस क्लास में 8 मॉडल्स का स्टडी किया था और तो बाकी बचे हुए 2 मॉडल वर्ब्स और 3 मार्जिनल मॉडल वर्ब्स जो हैं जिसका स्टडी हम आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग 9th मॉडल की ओर चलेंगे, बिना समय गंवाए वापस आएंगे टॉपिक पर। तो 9th मॉडल जो है आपका यूजेज ऑफ वुड, यानी वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है पॉइंट इसका वुड का प्रयोग का, वो है क्या, यू फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट और क्वेश्चन, यानी कि विनम्र निवेदन या विनम्र प्रश्न के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग रिसेंट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है वुड यू लाइक टू स्टे एट होम। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं पोलाइट रिक्वेस्ट है या फिर पोलाइट क्वेश्चन है। वुड यू लाइक टू स्टे एट होम, क्या आप घर पे रहना पसंद करेंगे। या इसी तरह से हो सकता है वुड यू लाइक टू फाइट विद कोरोना वायरस, क्या आप कोरोना वायरस से लड़ना पसंद करेंगे। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वुड के लिए हैं, जो कि पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चंस शो करते हैं। सेकेंड में आएंगे जो कि बी है, इसका यूज जो है टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए। कह सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसके बारे में अंदाजा लगाते हैं, हम ये गेस करते हैं कि ही वुड बी हिज फादर, यानी कि वह जो व्यक्ति उसका पिता होगा। या कह सकते हैं कि सी वुड बी हर मदर, वो उसकी माँ होगी। यानी कि यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के, संभावना के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। तो इसका थर्ड यानी सी देखते हैं इसका यूज क्या है, ये देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, यानी कि पुरानी आदत को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे आई वुड गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं प्रत्येक मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था, ये हमारा पास्ट हैबिट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट जो है दर्शाता है टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशंस, यानी कि अवास्तविक स्थिति को दर्शाने के लिए। जैसे कोई सीधा साधा एक एग्जांपल जो सब लोग जानते हैं, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो मैं कहाँ उड़ता, आकाश में उड़ता। ये जो कंडीशन है फ्रेंड्स, ये अनरियल कंडीशन है, अवास्तविक स्थिति। यदि मैं पक्षी होता, ये तो संभव नहीं कि मैं पक्षी हो सकता हूँ, लेकिन हाँ यदि मैं ऐसा होता तो ये करता। इफ आई वेयर अ किंग आई वुड सर्व माई सब्जेक्ट्स वेल, यदि मैं राजा होता तो अपनी प्रजा की खूब सेवा करता। तो यहां पर ये भी जो फ्रेंड्स है अनरियल कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो अनरियल कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ये मॉडल वुड का प्रयोग करते हैं। इसका नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, जो लास्ट इसका पॉइंट है, इन द पास्ट फॉर्म ऑफ सेल और विल, यानी फ्रेंड्स आप जब भी नरेशन बनाते हैं, डायरेक्ट स्पीच को जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो सेल या विल के बदले आप वहां पर क्या करते हैं, शुड या वुड, लेकिन जनरली वुड का प्रयोग आप करते हैं। तो यहां तक जो आपने देखा फ्रेंड्स, ए से लेकर के ई तक, यानी 5 कंडीशंस हैं जहां पर मॉडल वुड का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो लास्ट मॉडल वर्ब है इसका स्टडी करने वाले हैं। तो लास्ट मॉडल वर्ब आपका है यूजेज ऑफ ऑट टू, यानी कि ऑट टू का प्रयोग। ऑट टू का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आज हम लोग ये अंतिम मॉडल का इसका स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट इसका पॉइंट है कि टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी कि नैतिक अभिव्यक्ति के लिए मॉडल ऑट टू का प्रयोग होता है। जैसे यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, आपको अपने टीचर्स का आदर करना चाहिए। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, आपके अपने माता पिता का यानी पेरेंट्स के आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों जो है मॉरल ऑब्लिगेशन दिखाता है, तो यहाँ पर हम लोग मॉडल ऑट टू का प्रयोग करेंगे। और सेकेंड जो पॉइंट बना है टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी, यहाँ पर तार्किक आवश्यकता को दर्शाने के लिए भी मॉडल ऑट टू का प्रयोग
किया जाता है। जैसे यू ऑट टू नॉट बी लेट, आपको लेट नहीं होना चाहिए, या यू ऑट टू गो एट वंस, आपको एक बार में जाना चाहिए। यहाँ पर जो है लॉजिकल नेसेसिटी को दर्शाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग जहाँ जहाँ ऑट टू का प्रयोग किए हैं, इसके बदले में हम लोग मॉडल शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ऑट टू के बदले में शुड का प्रयोग हो सकता है और शुड के बदले में ऑट टू का प्रयोग हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपना 10 मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स था, इसको हमने सबका स्टडी कंप्लीट किया, और अब हम लोग आगे चलेंगे मार्जिनल मॉडल के यूजेज कैसे हैं और कहाँ पर हैं, हम लोग इसको भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप पॉइंट देख पा रहे होंगे, जैसे यूजेज ऑफ मार्जिनल और सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि मार्जिनल मॉडल वर्ब या फिर सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब का जो है हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला इसका नंबर इसमें आता है यूज्ड टू का, यानी कि यूजेज ऑफ यूज्ड टू, यानी यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स यूज्ड टू जो है यूज एक ऐसा वर्ब है जो एक लेक्सिकल वर्ब है जिसके 5 फॉर्म होते हैं और एक मॉडल वर्ब भी है। तो मॉडल वर्ब के रूप में भी फ्रेंड्स यहाँ पर जो है जब हम मॉडल वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, तो टू शो पास्ट हैबिट और सिचुएशन, यानी कि जो है पुरानी आदत या स्थिति को दर्शाने के लिए मॉडल यूज्ड टू का जो प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि आई यूज्ड टू स्मोक, मैं सिगरेट पिया करता था। यूज्ड टू रन, आप दौड़ा करते थे। ही यूज्ड टू लिव इन लंदन, यूज्ड टू लिव इन लंदन, वह लंदन में रहा करता था। भाई यहाँ पर जितने भी बातें हुई ये सबके सब क्या दर्शाता है, तो हमारा पास्ट हैबिट दर्शाता है। ये कह सकते हैं कि यू यूज्ड टू जंप, आप कूदा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ये कंडीशंस बने सेंटेंस के माध्यम से सब में जो है वो पास्ट फॉर्म को दर्शाया गया, पास्ट हैबिट को दर्शाया गया। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर मार्जिनल मॉडल जो वर्ब है यूज्ड टू, इसका सेकंड यूजेज देखने वाले हैं। तो कहता है सेकंड यूजेज कि इन द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव व्हेन इट्स मीनिंग इज अकस्टम्ड, यानी कि इसका प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में भी, यानी कि यूज का प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में भी होता है जब इसका मतलब होता है कस्टम्ड, यानी कि अभ्यस्त होना या फिर आदि होना, यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि जब इसका एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है तो इसके पहले यानी कि यूज्ड के पहले जो है बी बिकम या गेट जरूर आता है, और इसके बाद प्रीपोजिशन टू और प्लस कोई नाउन प्रोनाउन या जिरंड जरूर आता है। तो हम लोग देखेंगे एग्जांपल के माध्यम से कि क्यों और कैसे। तो फर्स्ट एग्जांपल कहता है कि आई एम यूज्ड टू नॉइज, यानी कि मैं मतलब शोरगुल का आदि हो चुका हूँ, मतलब शोरगुल का आदि हूँ, यानी कि शोरगुल सुनने के मुझ में आदत सी हो गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकेंड एग्जाम्पल के दे आर नॉट यूज टू राइजिंग अर्ली, वे लोग सुबह जगने के लिए अभ्यस्त नहीं है, यानी कि सुबह में जगते ही नहीं है, अभ्यस्त नहीं है, आदि नहीं है। और थर्ड एग्जाम्पल आप देख रहे हैं आई एम क्वाइट यूज टू वर्क हार्ड, मैं बिल्कुल ही हार्ड वर्क करने का जो हूँ अभ्यस्त हो चुका हूँ, इसके लिए आदि हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मार्जिनल मॉडल का जो फर्स्ट पार्ट था यूज टू, इसका यूजेज फिनिश होता है। चलते हैं अगले मॉडल की ओर। तो फ्रेंड्स हम लोग जो अंतिम स्टेज में धीरे धीरे करके पहुंच गए हैं, ये क्या है कि यूजेज ऑफ नीड एंड डेयर, नीड और डेयर, यानी कि यहाँ पर मार्जिनल नीड या फिर डेयर का प्रयोग आपको बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स नीड का प्रयोग होता है आवश्यकता के अर्थ में, जैसे मुझे पैसे की आवश्यकता है, आई नीड मनी, आपको आपको पैसे की आवश्यकता है, यू नीड मनी, उसको मदद की आवश्यकता है, ही नीड्स हेल्प। यहाँ पर जो फ्रेंड्स आवश्यकता के अर्थ में नीड का प्रयोग होगा और साहस के अर्थ में डेयर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा, तो अलग अलग सेंटेंस के माध्यम से हम लोग डेयर का भी एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे हाउ डेयर यू स्कॉल्ड मी, आपको मुझे डांटने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टच मी, आपको मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई। सी डेयर अपोज हिज फादर, वो अपने पिताजी का विरोध करने की साहस रखती है। तो अलग अलग तरीके से हमने फ्रेंड्स यहाँ पर नीड और डेयर का भी जो है यूजेज जान लिया। अब जो आखिरी पॉइंट जो होगा, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का जो अंतिम जो टॉपिक होगा वो होगा यूजेज ऑफ नीड एंड डेयर। आपने अभी अभी देखा और आज हम लोग ये नीड और डेयर का जो है दो तरीके का प्रयोग देखने वाले हैं।
फ्रेंड्स आप जानते हैं कि मार्जिनल मॉडल ये इसीलिए है ताकि नीड और डेयर का जो प्रयोग है वो कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी होता है, लेक्सिकल वर्ब के जैसा होता है। तो फ्रेंड्स इस अंतिम पड़ाव पे हम लोग पहुंचे हैं, समझ लेते हैं एग्जांपल के माध्यम से। तो जैसा कि आप एग्जांपल फर्स्ट देख पा रहे हैं कि राहुल नीड नॉट आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि राहुल को प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो नीड का प्रयोग किया गया है एक मॉडल के जैसा किया गया है, मार्जिनल मॉडल के जैसा किया गया, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल आप देख रहे हैं कि राहुल डज नॉट नीड टू आस्क अ क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहां पर ये जो नीड है ये मेन वर्ब या फिर लेक्सिकल वर्ब के जैसा नीड का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स दोनों सेंटेंस का अर्थ लगभग एक है, लेकिन एक सेंटेंस में नीड का मॉडल के रूप में प्रयोग किया गया है जबकि दूसरे सेंटेंस में नीड का लेक्सिकल वर्ब के रूप में या मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं जो कि डेयर के लिए होगा। तो हाउ डेयर यू बीट हिम, आप तुम्हें तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई उसे पीटने की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर डेयर का प्रयोग जो किया गया है एक मॉडल के जैसा किया गया है, कैसा किया गया है तो मॉडल के जैसा किया गया है। इसी तरह से जो लास्ट एग्जांपल आप देख पा रहे हैं फोर्थ एग्जांपल, हाउ डू यू डेयर टू बीट हिम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको पीटने की। यहाँ पर जो डेयर का प्रयोग किया गया फ्रेंड्स यहाँ पर लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब के जैसा किया गया चूंकि इसके पहले हेल्पिंग ले करके आया। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से नीड और डेयर जो है वो लेक्सिकल मॉडल वर्ब के जैसे भी कार्य करते हैं और लेक्सिकल या मेन वर्ब के रूप में भी कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इससे जो है स्पष्ट होता है कि यूज्ड टू नीड और डेयर जो है वो अपने ग्रुप के अदर वर्ब्स से अलग है, इसलिए ही उन्हें मार्जिनल मॉडल एक्जुलरी कहा गया या फिर सेमी मॉडल एक्जुलरी कहा गया। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरे जो पार्ट्स जितने भी पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री जो एक्जुलरी वर्ब से रिलेटेड वीडियोज हैं आपको अच्छे लगे। Thanks to watch my video. Please like, share and subscribe my channel.